ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र होता है। बता दें आपको कि मनुष्य के जीवन में राशियों का विशेष महत्व होता है। राशि के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य से जुड़ी कई जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं इन 3 राशियों की, जिनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। अगले 3 दिन महालक्ष्मी इन 3 राशियों को बनाएंगी धनवान। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, सफलता चूमेगी कदम, धन लाभ का योग बन रहा है। बता दें कि शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी के पूजा का विधान भी बताया गया है। ये तो आप जानते ही हैं कि हर किसी की चाहत बहुत ज्यादा पैसा कमाने की होती है, इसी के लिए मनुष्य दिन रात एक कर देता है। इस संसार में धन के बिना जीवन अधूरा सा लगता है, धन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। धन से ही हमारे जीवन की रूपरेखा भी तैयार होती है और धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और बता दें आपको कि देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, देवी लक्ष्मी जिन पर भी मेहरबान होती है उन्हें कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो चलिए बताते हैं ये 3 भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी हैं, जिनके लिए आने वाले 3 दिन काफी ज्यादा शानदार रहने वाले हैं। जी हाँ, ये जो 3 दिन है ये इनके लिए काफी ज्यादा शानदार रहने वाले हैं। महालक्ष्मी इन राशियों को मनचाही सफलता देंगे। चलिए बताते हैं 3 भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है। ये 3 भाग्यशाली राशियां हैं मेष राशि, मकर राशि और वृष राशि। आने वाले 3 दिन बहुत ज्यादा सुखद तरीके से व्यतीत होने वाले हैं, क्योंकि देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद इन राशि के ऊपर होगा। इन राशि वालों को विशेष लाभ होने के चांस बन रहे हैं, अचानक से धन लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। व्यापार करने वाले लोगों को विशेष लाभ होगा, बहुत जल्द इनको किस्मत का पूरा साथ मिलने वाला है। जीवन में चली आ रही सभी परेशानियों का अब खात्मा हो जाएगा, यानी कि सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। बताते हैं ये 3 भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है। 3 भाग्यशाली राशियां हैं मेष राशि, मकर राशि और वृष राशि। जैसे बता देते हैं 3 भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है। 3 भाग्यशाली राशियां हैं मेष राशि, मकर राशि और वृष राशि। जानकारी बता दें कि अभी पूरी जानकारी वेबसाइट और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।